तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्वाड्रिलेटर्स के ऊपर। क्वाड्रिलेटर क्या होता है, क्वाड्रिलेटर के टाइप्स क्या होते हैं, ये सब आज के वीडियो में हम जानेंगे। तो उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आपको हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो क्वाड्रिलेटर, उससे पहले मैं बता दूँ कि ये CBSE या महाराष्ट्र बोर्ड से रिलेटेड है, आपको इसलिए आपको देखना नहीं। अगर क्वेश्चन डिफरेंट आएगा, जैसे कि इसका मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज वीडियो में लेके आऊँगा, तो अगर आप CBSE बोर्ड से आपको क्वेश्चन अलग लगे तो इसमें आप थोड़ा परेशान मत हुई, क्योंकि भले ही क्वेश्चन अलग हो सके लेकिन एग्ज़ाम में क्वेश्चन सेम नहीं पूछा जाता है। एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन बना के पूछा जाता है और CBSE वालों का तो बहुत हार्ड रहता है। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन सेम आए। तो बस आपको जो कॉन्सेप्ट है, क्वाड्रिलेटर क्या होता है, कितने टाइप्स होते हैं, कैसे उसमें अगर पैरेललोग्राम का क्वेश्चन पूछे तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये सब आपको मैं क्लियर करवा दूंगा। और अगर आपको कुछ भी डाउट लगे तो आप हमें कमेंट ज़रूर कर सकते हो। तो चलिए, आज का जो वीडियो है हम शुरू करते हैं। पहले जानते हैं क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल्स हैज़ अ फोर वर्टाइसेस, क्वाड्रिलेटर के चार कोने होते हैं। इट हैज़ फोर एंगल्स, इसके चार एंगल्स भी होते हैं। और सम ऑफ द ऑल एंगल्स, मतलब अगर जितने भी एंगल्स अगर मैंने ऐड किए, चार एंगल को ऐड किया तो मेरा आंसर आएगा 360 डिग्री, तो मुझे मिलता है 360 डिग्री। तो सम ऑफ द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। अब जानते हैं क्वाड्रिलेटर, तो पता चल गया क्वाड्रिलेटर क्या होता है। अब जानते हैं कि क्वाड्रिलेटर के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। तो उसका टाइप्स जानते हैं हम, ज़्यादा नहीं, दो तीन रहते हैं, लेकिन आपको याद रखने हैं, वो भी लाइफ टाइम तक, बहुत आगे आपके आगे से आगे तक आने वाला है। नेक्स्ट ईयर, तो नेक्स्ट ईयर है आपके आपके अभी बुक में, 9th, 8th, 10th, 11th, 12th में है। तो चलिए आते हैं टाइप्स के ऊपर, जो कि हमारा पहला है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज क्या होता है, एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, मतलब अगर इस एंगल को और इस एंगल को अगर मैंने ऐड किया तो मेरा 180 डिग्री आएगा। सप्लीमेंट्री मतलब क्या, 180 डिग्री हम लोगों ने सीखा, सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री क्या, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 और सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री। तो एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अगर ये 70 है, इसका अपोजिट अगर डी है तो ये भी 70 होगा। डायगोनल्स बाइसेक्ट टू इच अदर, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तीसरा क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज कॉन्ग्रेंट, मतलब ये साइड और ये साइड कॉन्ग्रेंट होंगे, क्यों, अपोजिट साइड है, ये वाला कॉन्ग्रेंट होगा, क्यों, अपोजिट साइड है। तो अब आते हैं नेक्स्ट, जो है हमारा रेक्टेंगल्स। रेक्टेंगल का प्रॉपर्टीज क्या बोलता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, ईच एंगल इज 90 डिग्री, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, डायगोनल्स आर इक्वल, अपोजिट साइड सब इक्वल रहेंगे, ऑल एंगल्स 90 डिग्री रहेंगे, क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल का एंगल कितना हो, एक एंगल 90 डिग्री ही रहता है ना, तो सारे भी एक ही एंगल थोड़े 90 डिग्री सब रहते हैं ना, डी भी 90, बी 90, ए 90, सी सब 90 ही रहते हैं ना, इसलिए ऑल एंगल्स आर इक्वल, ईच एंगल इज 90 डिग्री, जैसे मैंने अभी बोला एक एंगल 90 डिग्री रहता है हर एक एंगल। तो डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स इक्वल होते हैं। अगर बी और डी इसका डायगोनल्स अगर 15 सेंटीमीटर है तो ए और सी का भी डायगोनल्स हमारा 15 सेंटीमीटर है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टीज में दिया है डायगोनल्स आर इक्वल। तो अब आते हैं हमारा नेक्स्ट, जो कि है रोम्बस। रोम्बस क्या बोलता है, ऑल द साइड्स आर इक्वल, इसके मेरे सारे साइड्स, मतलब रोम्बस के जितने भी साइड्स है सब इक्वल है, ए इक्वल होगा, ए सब इक्वल है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, बी इक्वल होगा डी के, ऐसा ए ए बी सी डी, हाँ बी डी की इक्वल होगा, ए सी की इक्वल होगा, क्यों, अपोजिट एंगल है। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, ये थोड़ा टेढ़ा मेरा है, मतलब रेक्टेंगल में क्या था, रेक्टेंगल में एकदम ऐसा स्ट्रेट था, लेकिन ये रोम्बस है जिसमें ऐसा मुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से एक ऐसा बड़ा बन सकता है या तो एक छोटा बन सकता है। तो डायगोनल्स इक्वल ही रहेंगे, अगर एक 15 सेंटीमीटर का है तो दूसरा 20 सेंटीमीटर या 21 सेंटीमीटर का हो सकता है, इसलिए इसमें डायगोनल्स इक्वल नहीं रहते। हाँ, लेकिन डायगोनल्स बाइसेक्ट टू इच अदर, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं रोम्बस में, मतलब एक दूसरे को क्रॉस करके जाते हैं, जैसे कि पॉइंट पे दिखाया मैंने आपको कैसे डायगोनल्स ने एक दूसरे को बाइसेक्ट किया है। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट जो है वो है स्क्वायर। स्क्वायर क्या बोलता है, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, जितने भी एंगल्स है सब 90 डिग्री हैं। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, डायगोनल जो है इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स आर इक्वल,
डायगोनल्स इसके इक्वल होते हैं, अगर ये 20 है तो ये भी 20 होता है, और क्या है ऑल साइड्स मतलब स्क्वायर के जितने भी साइड्स है वो सब इक्वल रहेंगे, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, जितने भी इसके एंगल्स है वो 90 डिग्री रहेंगे, ए भी 90, सी डी ए जितने भी एंगल्स है 90 डिग्री रहेगा। तो अब जानते हैं वापस से कि हम लोग ने क्या क्या सीखा है। तो हम लोग ने सीखा क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, उसके टाइप सीखे, सीखे पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल। अगर आपको अभी भी किसी चीज़ में डाउट है तो हमें कमेंट जरूर करना, और नेक्स्ट पार्ट में मैं इसका एक्सरसाइज लेके आने वाला हूँ क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड। तो ठीक है, तब तक के लिए आप सब्सक्राइब को दबा दीजिए और हमारे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो जल्दी मिल जाए। तो ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।